ये काम नहीं कर रहा है क्या? जी सर। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको इस अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से जो चुनाव हुआ उसके लिए हम अपने दिल के गहराइयों से शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं। दूसरी ओर ये सर्वसम्मत चुनाव हुआ, इसमें अहम भूमिका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी प्रसाद जी का लगा दिए, और मैं कह सकता हूं कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार जी का भी इसमें योगदान रहा है, इसलिए इन तीनों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। महोदय, बहुत बात कहने की नहीं है, आप जानते हैं 1980 से हम विधायक रहे हैं, आप भी लगभग उसी समय से रहे हैं, पुराने मित्रों में से हैं, आपके कार्यकाल को हम लोगों ने देखा है। हम सिर्फ दो पंक्ति कह करके इस आसन की गरिमा के बारे में और आपके कर्तव्य के बारे में बताना चाहते हैं। एक तो है, आप सब हम जानते हैं, प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं, प्रेमचंद जी ने कहा था कि पंच के मंच पर बैठा व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन होता है, इसलिए वो करना चाहिए। और एक पंक्ति और आई है जो रामायण से बात आती है, रामायण में कहा गया है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान में एक, पालत पोषत सकल जग, तुलसी सहित विवेक। आप इस अवधारणा से अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सदन बढ़िया चलेगा और ये सरकार भी बढ़िया चलेगी और बिहार की जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो सारी अपेक्षाओं की पूर्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इमाम जी से चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल की अमीक गहराइयों से आप से मेरा इस आसन से निवेदन हुआ, चूंकि आप एक माननीय सदस्य हैं, कि समय की कमी है, इसलिए आपको उद्गार व्यक्त करना है, बहुत अवसर मिलेंगे दिया जाएगा, इसलिए एक मिनट में ही अपने बातों को समाप्त। ठीक सर, सर मैं इतने में रख देता सर। मैं दिल की अमीक गहराइयों से आपके सर्वसम्मत तौर पर अध्यक्ष चुने जाने पर मुबारकबाद देता हूं, और मैं सदन के सभी मान्य सदस्यों को अभी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने सर्वसम्मत का माहौल बनाया। महोदय, आप कस्टोडियन हैं हमारे, हम ये उम्मीद करते हैं कि न आप सत्ता के पक्षधर होंगे, न विपक्ष के प्रति निष्पक्ष होंगे, बल्कि सत्य के पक्षधर होंगे, ये हम आशा करते हैं। आपसे निजी तौर पर जब भी मिला है आपसे प्रभावित हुए कोई व्यक्ति नहीं रहा है, और आपका जो जीवन रहा है अब तक राजनीतिक, हम उम्मीद करते हैं इस सदन में एक नया इतिहास आप रचेंगे। और मुझे एक बात सिर्फ कह लेने दीजिए कि इस वक्त यह सदन बड़ा संतुलित लग रहा है, आप आसन में बहसत अध्यक्ष बैठे हैं और सत्ता के तरफ भी एक माननीय पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं जिनका लंबा तजुर्बा रहा है, और आज विपक्ष में भी वो शख्स बैठे हैं जो पहले उस सदन उस जगह पर बैठे हुए थे, वो भी अध्यक्ष रहे हैं। तो मैं समझूंगा कि सिर्फ राजा ने अपने मंत्री से कहा कोई एक शब्द लिख दो कि दुख और सुख में काम आए, तो उसने लिख दिया कल उसके सामने के दीवार पे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बहुत बहुत अगर कोई सदन है उनका भी, आपका भी, मेरा भी गुजरेगा, लेकिन उसके बाद आत्मा को शांति मिले ऐसा काम हम सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, श्री अजीत शर्मा जी, श्री महबूब आलम जी, श्री राम रतन सिंह जी, श्री अजय कुमार जी, श्री अख्तरुल इमाम जी एवं इस सदन में मौजूद सभी दलों के माननीय सदस्यगण, आज सर्वसम्मत से मुझे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर आप लोगों ने जो मिसाल पेश किया है यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। मैं एक साधारण सा आदमी हूं,
किसान हूं, किसानों की समस्याओं के लेकर मैंने संघर्ष किया है। मुझे गर्व है कि मैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म स्थली सीवान जिले से आता हूं। मैं गांधी और लोहिया के विचारधारा से काफी प्रभावित रहा हूं, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूं। मैं लोकनायक नए जयप्रकाश नारायण जी की नीति विचार एवं सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास भी करते रहा हूं कि कैसे विचारों का व्यवहारिक रूप दिया जाता है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर के उन आदर्शों को भी अपनाने का प्रयास करता हूं कि कैसे समाज के वंचित और पीड़ित समुदायों के साथ खड़ा हुआ जाता है, उनके तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं माननीय लालू जी के दिल के करीबी हूं। उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, अन्याय के विरुद्ध लड़ने का हिम्मत दिया। उनकी राजनीतिक कुशलता मुझे संघर्ष करने की प्रेरणा देती है, इसलिए मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं, क्योंकि देश में एकमात्र सेकुलर अव्वल दर्जे के समाजवादी नेता है जो सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव एवं आपसी भाईचारे को मजबूत करने की दिशा में काम करते रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति इतना ही कहना चाहता हूं कि मात्र मुख्यमंत्री नहीं है, वे स्टेट्समैन है, एक विराट दूरदर्शिता है उनमें। उनके पास डॉक्टर श्री कृष्ण जी सिंह जी जैसी प्रशासनिक कुशलता है, उनके पास सबों को साथ लेकर चलने का जज्बा है। उनके उद्गार के प्रति मैं उनका आभारी हूं। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं। यह बिहार के लिए एक सौभाग्य की बात है कि उसे एक सशक्त युवा नेता मिला है जो हम जैसे बुजुर्गों को साथ लेकर चलने का जज्बा रखता है। मैं उनके प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं विधानसभा में अन्य सभी दलों के माननीय सदस्यों से, उनके नेता से प्रभावित रहता हूं। मैं हमेशा जनता के हित के प्रति सजग रहे हैं। मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूं कि इस सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों की मान एवं सम्मान की रक्षा करता रहूंगा। बिहार की जनता के हितों के लिए बिहार विधानसभा के इस फोरम को अधिक से अधिक सशक्त बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं चाहूंगा कि सदन में विमर्श का स्तर अच्छा हो। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से हम बिहार की जनता के हितों की नहीं साध सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सभा जनता के दुख दर्द का आईना बनकर आप सभी प्रतिनिधियों के साथ सरकार को सही मार्गदर्शन देता रहेगा और सरकार विधानसभा के प्रति अपनी जवाबदेही निभाती रहेगी। यह सदन और यह संसदीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें माननीय सदस्य आम जनता की तकलीफों को एक कागज में लिख कर देते हैं, सदन में विमर्श होता है, तत्क्षण उसका निपटारा होता है या उसके लिए नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं। यही संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है। इस देश के लिए जहां विभिन्न धर्मों और जातियों को आबादी रहती है, उनकी आवाज को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से उठाया जाता है और उन मुद्दों प्रश्नों का हल यहां ढूंढा जाता है। आप लोगों ने मुझे एक चुनौती भरा दायित्व सौंपा है, मैं प्रयास करूंगा कि इस चुनौती पर खरा उतरूं। इसके लिए मुझे स्वयं को स्वस्थ परंपरा में, इसके लिए मुझे स्वयं